और यहाँ पर मैंने काजू निकाले हैं और आज बनने वाली है काजू करी, और इसको हमें दो पार्ट में कर लेने हैं। और सुबह के हुए हैं 11 और व्लॉग अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दूसरा वीडियो भी मैंने अपलोड किया है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ काजू करी, और काजू करी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कितने दिनों से बनी भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया। और जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना ये चैनल पर, तब मैंने काजू करी बनाई थी, तब से लेकर आज तक उसमें हर रोज़ व्यू आते हैं, हर रोज़। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए जो काजू करी के लवर है, तो ये रेसिपी उनके लिए है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, और वीडियो भी वैसे लेट स्टार्ट किया है मैं। इस चैनल में पूरी रेसिपी डाल दूंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही व्यू आते हैं। वाले काजू करी के वीडियो में शॉर्ट वाला वीडियो है, उसमें बहुत ही व्यू आते हैं, हर रोज़ व्यू आते हैं धीरे 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 धीरे। तो ये रेसिपी मैं इस चैनल में डालूंगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, वैसे भी लेट हो गया है। तो चलो इसको दो पार्ट में करते हैं, और अब हमें काजू को उबालना है। तो ये सारी काजू लिए हैं और इसमें हम डाल देंगे, और पानी डालकर इसको उबाल लेना है। चलो काजू उबल गए हैं हमारे, तो निकाल लेते हैं इसको। आप चाहो तो फ्राई करके भी काजू डाल सकते हो। और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसे हम सब्जी में यूज करेंगे, तो रहने देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिए हैं और 3 टमाटर लिए हैं, इसको हम कुक कर लेते हैं, फिर ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है, अब इसमें हम डालेंगे अनियन और टमाटर दोनों। चलो चेक कर लेते हैं। चलो अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, ये डालेंगे इसमें। टमाटर और प्याज मैंने पकाए थे ना, वो निकाल लिए हैं। टमाटर और प्याज का जो मिक्सर था नॉन मिक्सी जार में लिया है, और उसको हमें ठंडा होने के बाद पीस लेना है। चलो अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी हींग। अब इसमें ये प्यूरी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने नमक डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है। अब हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और किचन किंग मसाला डालेंगे, ये पंजाबी सब्जियों का मसाला है। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम आराम से पकने देंगे। जो हमारी काजू करी तैयार है, और जो पानी हमने रखा था ना, वो हम थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। करी को हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है। ये बॉईल किए हुए काजू डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चलो 5 मिनट हो गई है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो हमारी काजू करी बनकर तैयार है। चलो गर्मी है तो बालों को बांध दिया, और यहाँ पर मेरी काजू करी तैयार है। और हम पराठा नहीं बनाएंगे, और रोटियाँ बना रही हूँ। आधी रोटी बन गई है और आधी बाकी है, तो चलो बना लेती हूँ फिर। टाइम हो गया है, अभी 1:15 हो चुका है।
By the real me.